कि लोगों का मन जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। आज देख रहे हैं कि गांव में भी कई युवा साथी आजकल खेल छोड़कर अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। अभी मैं सूरज दिखा देता हूँ कि गांव में रहने से बहुत कुछ फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर एक टू ये है, क्या बोलते हैं, नदी है, उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। और सूरज को उगते हुए देखें, आप भी देखने के लिए आए हैं, मैं पीछे आपको बैक कैमरा से बताता हूँ, आप देखते रहिए। देख सकते हैं सूरज उग गया है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और मैं आपको एक ये भी दिखाता हूँ, झरना टाइप का, जो कि हम लोग के गाँव में है। और आप देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा आया हुआ है। ये मेरा निखिल भाई है, सब भाई है, सब भाई है, वो भैया है लेकिन ये वाला। तो चलते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मछली लगाने के लिए, मछली लगा है नहीं। तो भाई साहब गजब, ए बाबू क्या देख रहा है, मछली देख रहा है, मछली है, लगा है। ये अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और अभी बच्चा सब आए हैं, देख सकते हैं दादी बुलाई है वो सबको, और वो सबका भी फ़ोटो खींचेंगे। और फिर दादी का कुछ ये रिपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए फ़ोटो खिंचवाना है। और बाकी देख सकते हैं अभी यहाँ पर काट रही है, क्या कर रही है अभी कच्चू। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और आज है हम लोग का फुटबॉल का टूर्नामेंट, और आज फाइनल डे है, तो देखते हैं आज थोड़ा वीडियो क्लिकिंग करते हैं। और दो तीन जन मतलब मेरे गांव का ही है, और दूसरा हमें काम करने गए हैं दूसरा देश में, तो वो लोग बोल रहा है कि वीडियो कर रहा है कि नहीं, तो वीडियो करते हैं, उन लोग को भी देखने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए मैं अभी फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। .com मार्केट अंडरग्राउंड है, और तीसरा दिन के लिए रेडी में रहेंगे RR JC राजधवा वर्सेस रोहिणी गढ़ा। आप दोनों टीमों से भी गुजारिश है कि आप लोग मतदान से पहले ही मेडिकल स्टोर पर आने की कोशिश करेंगे। और चौथा दिन के लिए NFC बी वर्सेस अंडरग्राउंड में काफी युवा हुआ खिलाड़ी समावेश है, बोबी मुर्मू गोलकीपर है, शंकर हांसदा 15 नंबर की जर्सी में, सूरज सोरेन 4 नंबर की जर्सी में, मुकेश मुर्मू 8 नंबर की जर्सी में, डॉक्टर हांसदा 13 नंबर की जर्सी में, काला सोरेन 12 नंबर की जर्सी में, और राज चक्की 7 नंबर की जर्सी में, और रहने वाले बेटे कप्तान आपसे गुजारिश है, आप अगर पहुंचे हैं तो हमारे कमेटी से संपर्क बना लेंगे।
समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ गांव के ग्राम प्रधान बाबूराज जी, हमारे गुरु जी और साथ में इस डीएमसी क्लब के सभी कमेटी के सदस्यगण और इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी बंदियों को सबसे पहले मेरे और से हार्दिक जोहार व नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी क्लब की ओर से दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता रखा गया था और आप सबने इस क्षेत्र में अपने जो ग्रामीण प्रतिभा को जो निखारने का काम और इस मैदान में अपना जोर दिखाने के लिए जो कमेटी की ओर से आयोजन किया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से कमेटी के सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि ऐसे ही ये कार्यक्रम आगे भी कमेटी की ओर से रखा जाएगा और साथ ही मैं इस खिलाड़ी साथियों को भी दो बात कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से इसके खेल के प्रति लोगों का मन जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, आज देख रहे हैं कि गांव में भी कई युवा साथी आजकल खेल छोड़कर अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और मोबाइल के गेम में ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं, हमारा आने वाला नस्ल जो है कमजोर होती जा रही है, इस पर भी गंभीर हम लोग को चिंता करना है और साथ ही जो भी खिलाड़ी साथी हम लोग खेल रहे हैं कम से कम प्रयास करें कि जब तक आपका करियर नहीं बनता है तब तक आप अपने नशा से दूर रहिए और खेल को करियर बनाने का के क्षेत्र में प्रयास करें ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आज देख रहे हैं कि खेलने के साथ जो खिलाड़ी अपना नौकरी की ओर ध्यान देते हैं, चाहे फोर्स में हो चाहे पुलिस में हो, तो उनका बहुत जल्दी नौकरी हो जाता है। और वैसे अगर कोई लड़का चाहता है कि हम पढ़ लिख के कोई नौकरी इतना जल्दी लोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोग प्रयास करें कि आप लोग खेल रहे हैं तो आप अपना नौकरी कैसे आगे अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और खेलते हुए ही नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। बीते कल सेमीफाइनल का सफर तय किया था, हालांकि बाली जूडो के साथ दो दो हाथ की थी और हमने पराजय हाथ लगे और तीसरे और चौथे स्थान पर अपने आप में यहाँ पर चौथे नंबर का पहुंचा। एक बार जोरदार तालियां बांधने की एफसी एपी खिलाड़ी मिस्टर सुभाष चंद्र सर हम लोग कॉल करके अभी मतलब सबको मार्क